26 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां पानीपत प्रशासन कड़ी मेहनत करने में जुटा है, वहीं प्रशासन को किसानों की चेतावनी का डर भी सता रहा है, जिसको लेकर आज एसपी और डीसी के नेतृत्व में किसान यूनियन के नेताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और 26 जनवरी के कार्यक्रम में किसान यूनियन के रुख के बारे में बात की गई। किसानों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व पर कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा। चर्चा के बाद मीटिंग के बाहर आए किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह किसी भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि यह राष्ट्र के गौरव का कार्यक्रम है, जो बड़ी मुश्किल से हमें यह दिन देखने को मिला था। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडनी भी एक वीडियो जारी कर संदेश दे चुके हैं कि कोई भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम का विरोध ना करे। साथ ही चुडनी ने वीडियो में गणतंत्र दिवस के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यक्रम करने का विरोध करने की जरूर अपील की है। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले भारतीय किसान यूनियन की पानीपत की इकाई डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन दे चुकी थी कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में अगर सीएम झंडा फहराने आएंगे तो उस वक्त कोई भी तनावपूर्ण माहौल बनता है तो उसके वह जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि सीएम खुद जिम्मेदार होंगे। इसी डर के चलते आज प्रशासन ने किसानों की मीटिंग ली, जिसमें किसानों ने साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करेंगे। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। 26 तारीख के लिए जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था, यहाँ लोगों को शंका थी, विषादी लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा भारत सरकार जो भारत हमारा संयुक्त मोर्चा किसान होगा, उन्होंने कहा जब राष्ट्रीय पर्व इसका कोई विरोध नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी अपनी उस रैली करते हैं पार्टी की, उसका विरोध करना है, ये राष्ट्रीय पर्व इसका कोई विरोध नहीं करना। इसलिए एसपी साहब ने डी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, वो हमारे बारे में पूछ रहा था भाई क्या रहेगा, तो हमारे जो सीनियर नेता हैं संयुक्त मोर्चे के, उन्होंने मना कर दिया भाई इसका 26 जनवरी का विरोध नहीं करना, ये राष्ट्रीय पर्व। आज 23 तारीख को किसान भवन पानीपत में भारतीय किसान यूनियन पानीपत की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें संयुक्त मोर्चा की तरफ से बयान आया है भाई वीडियो के माध्यम से, भाई गुरनाम सिंह का भी आया है और भी संयुक्त मोर्चा से आया है और कुछ संदिग्ध वहाँ कहाँ मिले भी हैं कल। तो हम चाहते हैं भाई सरकार हो चाहे कोई भी, हम नहीं चाहते 26 जनवरी बदनाम, क्योंकि ट्रैक्टर रैली भी निकाली, हर ट्रैक्टर पर एक इंडिया का फ्लैग लगाया, हमने फ्लैग सम्मान के लिए लगाया है, उसके मान और सम्मान के लिए लगाया है, तो हम नहीं चाहते इस फ्लैग पर किसी प्रकार की कोई राजनीति हो, किसी प्रकार का कोई विरोध हो। और कल न जो आम समाज है वो क्या समझे, अगे तो किसान नहीं देश विरोधी हैं, जो देश विरोधी ताकते हैं ये वो हैं, वो प्रूव हो जाएगा। हम चाहते हैं भाई जो किसान पानीपत से भी जाए, अगर दिल्ली शामिल हो, तो दर्जा जो लगाया है, दर्जा लगाया है भारतीय दिवस का, जो भारत का लगाया है, तो उसका मान सम्मान रखे, उसके नियम को जाने। और गणतंत्र दिवस पर जो 26 जनवरी पर है, ये नहीं कोई नेता कौन आएगा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम हमारा मकसद है जो भारत के गौरव का दिन है, ये कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं, राष्ट्रीय पर्व है किसी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो कोई भी नेता आए, ध्वजारोहण करे या इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई विरोध ना करे, ताकि ये गलत मैसेज ना जाए समाज में, ये तो इस भारत दिवस का भी विरोध करते हैं तो ये भारत के विरोधी हैं। तो इस प्रकार का फैसला आज किसान यूनियन पानीपत में लिया गया है। हम चाहते हैं भाई इसका मान और सम्मान बढ़ा रहे, और प्रत्येक नागरिक जो भारत का है, जो भारत का प्रत्येक नागरिक इस दिन का और इस ध्वज का मान सम्मान करता, हम उसको बनाए रखेंगे और किसी प्रकार का विरोधी कोई बयान 26 जनवरी के बारे में नहीं देंगे, ना किसी दल का विरोध करेंगे, ना कोई गणतंत्र दिवस का विरोध करेंगे। ये संयुक्त मोर्चे की भी काल है, कुछ जो हमारे बड़े पदाधिकारी उन्होंने वीडियो के माध्यम से डाल भी दिया। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.